हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल आईक्यू स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, ये जो आपने वीडियो पे थंबनेल देखा है उसके अकॉर्डिंग तो ऑब्वियसली बात है फाइनल ईयर के स्टूडेंट होंगे आप, ठीक है। सो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के कुछ डाउट्स हैं, वो मैंने सोचा कि एक एक बच्चे के क्या मैं क्लियर करूँ। बहुत बहुत मुश्किल हो जाती है एक एक बच्चे के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि सभी चीज़ों को ना साथ में बता दिया जाए, ठीक है। सो अब फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली जो प्रॉब्लम बच्चों को फेस करनी पड़ रही है वो है रिज़ल्ट की। सो रिज़ल्ट के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी तक जो देखा गया है, जो बात की गई है, उसके अकॉर्डिंग एंड ऑफ अगस्त, मतलब इस मंथ के एंड तक बोला जा रहा है कि रिज़ल्ट आ जाएगा फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का। अब अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं या फिर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आप बोलोगे कि मैम हमारा रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो देखो, फाइनल ईयर के बच्चों को ना अदर यूनिवर्सिटीज़ में या फिर पीजी में आगे एडमिशन लेना होता है, तो इसलिए इन बच्चों का रिज़ल्ट का जो है वो मैं आपको पक्का इन द सेंस कि सही तौर पर बता रही हूँ, ताकि बच्चों को ये रहे कि हाँ भाई अब फाइनली हमारा रिज़ल्ट आएगा और हम आगे एडमिशन ले लेंगे। सो उससे पहले, ये जो स्क्रीन पे आप यहाँ पर एक न्यूज़ देख रहे हैं, ये जो न्यूज़ है इसके अंदर क्या बताया गया है वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, हेडिंग से हमें पता लग रहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूजी पीजी दाखिले में देरी से प्राइवेट संस्थानों का रुख कर रहे हैं छात्र। मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से काफ़ी चीज़ों में थोड़ी सी देरी हो रही है, तो उसकी वजह से बच्चे क्या कर रहे हैं, आगे अपने किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने मुझसे ये पूछा कि मैम जैसे हमारे फर्स्ट ईयर के जो एडमिशन हैं वो कब होंगे, या फिर हमारा फाइनल ईयर का रिज़ल्ट कब आएगा, हमें पीजी में एडमिशन लेना है, हम वो कब लेंगे, ठीक है। तो ये सारे डाउट्स बच्चों के क्लियर मैं यहाँ पर कर देती हूँ। सो सबसे पहला डाउट कि रिज़ल्ट कब आएगा, वो तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया है कि रिज़ल्ट जो है आपका एंड ऑफ दिस मंथ या फिर सेप्टेम्बर के फर्स्ट वीक के अंदर आ जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सितंबर के एंड तक का भी जा सकता है, अक्टूबर का फर्स्ट वीक भी। भाई ऐसा करो, दिसंबर भी गुजार दो, फिर जनवरी लगा दो, अगला साल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। मायने थोड़ी रखता है भाई, साल ही तो वेस्ट हो रहा है और क्या हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। सितंबर तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। अब एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ कि जब मान लो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, ठीक है, चाहे रेगुलर के हो, सोल के हो, एनसी वेब के हो, और आपको आगे अपना पीजी कंटिन्यू करना है, चाहे एमबीए करना है, एमएससी करना है, एमए करना है, बीबीए करना है, जो भी करना है वो आपको पीजी करना है पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आप ये बोल रहे हो कि मैम हमारा रिज़ल्ट आए तो फिर हम आगे एडमिशन भी लें। देखो क्या होता है, जैसे मान लो कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हूँ और मुझे आगे पीजी में दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लेना है, तो फॉर्म निकल जाते हैं फॉर्म जब आप लोगों के पेपर, जैसे मान लो आप लोगों के पेपर मई में शुरू हुए थे ऑनर्स के हिसाब से, प्रोग्राम के जो थे जून में हुए थे, तो ऑनर्स वाले बच्चों आप लोगों के जब पेपर चल रहे थे तभी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने फॉर्म रिलीज़ कर दिए थे। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि रिज़ल्ट आने के बाद ही एडमिशन होगा, अदरवाइज़ ऐसा नहीं होता है बच्चा। देखो फाइनल ईयर का रिज़ल्ट हमेशा से देर में आता है, हर बार गई है, एक दो महीना लेट लगा लो, ठीक है, इतना तो लेट आता ही आता है, लेकिन हर यूनिवर्सिटी आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है अपना फॉर्म फिल करने की, रजिस्ट्रेशन करने की, ठीक है। अब जैसे मैं डीयू की स्टूडेंट थी फाइनल ईयर की, मुझे पीजी में एडमिशन लेना था, तो जब फॉर्म निकले तो भाई मैंने जो है फॉर्म फिल कर दिया। अब आप बोलोगे कि मैम फॉर्म हम कैसे फिल कर सकते हैं जब रिज़ल्ट ही नहीं आया, तो वो फॉर्म हम ऐसे फिल कर सकते हैं, उस फॉर्म में सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के, ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं यूजी की दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। अगर मैं जामिया की यूजी की स्टूडेंट होती तो जामिया में ही पीजी में मैं इसको फिल कर सकती थी। कैसे, एक रिज़ल्ट अवेटेड का आपके पास ऑप्शन आता है, वो आपको फिल करना होता है, ठीक है। वहाँ पर आपका ऑप्शन दो तरह के क्या आते हैं, मार्कशीट का और एक रिज़ल्ट अवेटेड का। अब ये जो ऑप्शन आता है ना, ये अगर मैं किसी और यूनिवर्सिटी का होकर किसी और जगह फॉर्म फिल करती हूँ तब भी मुझे शो होता है, बट वहाँ पर रिज़ल्ट अवेटेड शो नहीं होता है, सिर्फ मार्कशीट का ऑप्शन शो होता है, ठीक है।
अब यहाँ पर देखो, जैसे कि मैं डीयू की यूजी की स्टूडेंट थी, मैंने पीजी का फॉर्म फिल करा, और क्या करा मैंने, तो भाई रिज़ल्ट अवेटेड करके फॉर्म फिल कर दिया, ताकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म रिलीज टाइम पर मैं फिल भी कर सकूं और मेरा ईयर भी वेस्ट ना हो। अब इससे क्या हुआ, दिल्ली यूनिवर्सिटी को पता लग गया कि भाई जो निक्की मैम के नाम का एक बच्चा है उसने पीजी का फॉर्म फिल कर दिया है और वो बच्चा अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई कोर्स नहीं है पीजी में जिसका एंट्रेंस ना हो, एंट्रेंस और मेरिट दोनों बेस पर होता है। बट मैंने तो फिल कर दिया, अब अगर मेरे फाइनल ईयर में जनरल के हिसाब से बन जाते हैं 60%, तो भाई मैं तो मेरिट बेस पे निकल गई, और नहीं बने तो एंट्रेंस बेस पे निकल गई। अब यहाँ मेरा तो फॉर्म सेव हो गया, लेकिन बच्चों को ये चीज़ नहीं पता होती, बच्चा यही सोचता है कि रिज़ल्ट आने के बाद ही फॉर्म फिल होगा। तो जो आप लोग मुझसे पूछ रहे हो कि मैम दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म कब निकलेंगे, हम कब एमए का फॉर्म फिल करेंगे, कब एमएससी का फॉर्म फिल करेंगे, तो देखो बच्चा डीयू के जो फॉर्म हैं वो तो निकल चुके हैं। अब एक चीज़ बच्चा पूछता है कि मैम मुझे तो सोल से ही एमए करना है, अब मैं क्या करूँ? तो देखो, इसका सवाल का जवाब ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो फॉर्म रिलीज करती है वही फॉर्म सोल के लिए, रेगुलर के लिए और एनसीवेप बच्चे के लिए होता है। ठीक है, वही फॉर्म आपको फिल करना होता है, वही आपके जनरल के हिसाब से 750 फीस है, एससी एसटी की अलग है, ओबीसी की अलग है। अब अगर आपने बाय चांस सोल में एडमिशन नहीं लिया, उस फॉर्म को फिल नहीं करा, तो आपको क्या करना है? देखो, अकॉर्डिंग टू सोल टीचर्स या फिर रेगुलर टीचर्स ऐसा ही है कि डीयू का जो फॉर्म निकलता है उसी के अंदर आपको फिल करना होता है। बट ऐसा कभी कभी इन केस थोड़ा टाइम निकलने के बाद ऐसा आता है कि सोल का जो डैशबोर्ड, आप लोगों का जो डैशबोर्ड है, मींस सोल के बच्चों का या फिर एनसीवेप के बच्चों का, तो उनके पास ना फॉर्म का लिंक शो होने लगता है कि अगर आप सोल से एमए करना चाहते हैं तो भाई आप ये वाला फॉर्म फिल कर दो। ठीक है, तो वो जो है फॉर्म आपको शो हो जाता है, लेकिन बाद में अगर शो नहीं हुआ तो मुझे ये मत बोलिएगा आप कि भाई निक्की मैम ने बोला था फॉर्म शो होगा तो अब शो नहीं हुआ, अब निक्की मैम को ढूंढो और उनका जुलूस निकालो। भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देखो मेरी बात क्लियर मैं यहाँ पे कर दूँ आपको कि फॉर्म तो डीयू के निकल चुके हैं, बट अगर सोल की साइट पर या एनसीवेप की साइट पर इन केस फॉर्म अगेन आते हैं पीजी के, पीजी में सोल से 5 ही कोर्सेज होते हैं, एनसीवेप से 5 ही कोर्सेज होते हैं, ठीक है, तो वो अगर आते हैं तो आपको ज़रूर यूट्यूब पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा, हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। अदरवाइज नहीं आते हैं तो भाई फिर आपका ये है कि ईयर वेस्ट करने से बेटर है कि कोई अदर यूनिवर्सिटी से आप एडमिशन ले लो। ठीक है, अदर यूनिवर्सिटी की बात भी अभी हम करेंगे, बट इस न्यूज़ पे वापसी आ जाओ। तो जी, डीयू में यूजी पीजी का क्यों हुआ है? देखो, कोविड के टाइम तो आप जानते हो कैसा था, तो उसमें ये रखा गया कि जो भी चीज़ें इधर उधर हो चुकी थी अब उसको हम लाइन पर लाएंगे। उसको देखते हुए ही मई से पेपर ऑफलाइन हुए, ठीक है, जून में भी पेपर ऑफलाइन हुए, अगस्त में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के पेपर ऑफलाइन हुए, ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के ऑफलाइन हुए। लेकिन अब वो लोग हैं ना, पुरानी चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल में नहीं रख पा रहे हैं, इन द सेंस कि उन लोगों से कोविड के टाइम पे जो चीज़ें अपनी जगह से हिल चुकी हैं ना, उसकी वजह से रिज़ल्ट में या फिर सभी चीज़ों में देरी हो रही है। ठीक है, अब फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को मैं बता दूं, अगर आप फर्स्ट ईयर से हैं या फिर आपके बहन भाई हैं तो उनको ज़रूर इन्फॉर्म करना कि बच्चे बिना लेट करे अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर दें, क्योंकि जब तक रिज़ल्ट आएगा, जब तक आपका एडमिशन होगा, तब तक तो उसके 2-3 महीने बाद पेपर हो जाएंगे, आपको टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए। ठीक है, कॉलेज में ऐसा ही होता है, कोई फ़ायदा नहीं है प्रोटेस्ट करने का, कुछ भी करने का, बेटर है आप अपनी स्टडी पर फोकस करो। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर अब ये जो आ रहा है ना कि बच्चे प्राइवेट की तरफ रुख कर रहे हैं, अब ये बच्चे प्राइवेट की तरफ रुख कौन से बच्चे कर रहे हैं? बच्चा मुझसे ये बोल रहा है कि मैम रिज़ल्ट तो हमारा आया नहीं है, ना मैं प्राइवेट करा ना गवर्नमेंट करा, कहाँ जाऊँ भाई? जो बच्चे पहले से ग्रेजुएशन कर चुके थे, मतलब इस साल जिन्होंने नहीं करा, वो बच्चे तो गए प्राइवेट में। ठीक है, अब जो बच्चे इस साल रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है वो भी प्राइवेट में ही जाएंगे, क्योंकि डीओ के तो फॉर्म रिलीज़ हो चुके हैं, अब तो कोई ऑप्शन बचा नहीं है। जो बच्चे पहले से फॉर्म फिल कर चुके हैं उनका ठीक है, उनका देखा जाएगा।
तो यहाँ पर थी भाई ये जो न्यूज़ आई थी, ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा भी हाल फिलहाल में चल रही है क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात आ रही है और फिर इतनी बड़ी बात है तो ज़ाहिर सी बात है न्यूज़ में तो आना ही आना है। तो जी ये चीज़ थी। अब हम आते हैं अदर यूनिवर्सिटीज़ पे, लाइक इग्नू, जामिया या फिर डीयू, क्योंकि जो बहुत 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 ही ज़्यादा मेरे पास स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट आती है वो इन तीन यूनिवर्सिटी की ही आती हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर आपने डीयू से फॉर्म फिल नहीं करा है तो अब आपके पास ये दो तरीके की यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं। कैसे आ रही हैं? देखो, अगर मैं आपसे जामिया की बात करूं, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, ठीक है, सभी ने इसका नाम सुना है, सबको पता है ये कहाँ पर है। तो देखो, इन लोगों के फॉर्म जो थे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ ही निकले थे और उन्हीं के साथ बिल्कुल डेट अकॉर्डिंग बंद हो गए। जामिया जो है अपने फॉर्म अगेन नहीं रिलीज़ करता है। जिन बच्चों ने मुझे ये बोला था कि मैम जामिया के फॉर्म इग्नू की तरह दो बार निकलते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। दो बार फॉर्म जामिया के नहीं निकलते हैं, जामिया हमदर्द के निकलते हैं। जामिया हमदर्द प्राइवेट यूनिवर्सिटी है इग्नू की तरह, ठीक है, मतलब इग्नू प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों का है, लेकिन जामिया हमदर्द जो है जामिया मिलिया इस्लामिया का अपोजिट है, ये गवर्नमेंट है वो प्राइवेट है। ठीक है, तो वो लोग निकालते हैं दो बार फॉर्म ताकि बच्चा जो है अपने किसी चीज़ में एडमिशन ले ले और उसके बाद जाके वो अपना ईयर जो है गुजर बसर कर सके अच्छे से। ठीक है, अब उन चीज़ों में भी जामिया हमदर्द जो है काफ़ी चीज़ों में इंटरव्यू रखता है या फिर एंट्रेंस रखता है या फिर मेरिट बेस पर भी हो जाता है। ठीक है, ऐसा कोई मसला नहीं है। बट अब यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास तीन में से दो ऑप्शन तो ऑलरेडी जा चुके हैं, जामिया का और डीयू का। अब बात आती है हमारे इग्नू की। तो देखो, इग्नू के लिए मैंने आप लोगों को काफ़ी कोर्सेज बता रखे हैं ऑलरेडी, मैंने आप लोगों को चैनल पर सब कुछ अपडेट कर रखा है। ठीक है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप वहाँ से जाके देख लो। देखो, इग्नू जो है अपने 15-15 दिन के हिसाब से डेट एक्सटेंड कर रहा है। इग्नू के ग्रुप में जो बच्चे ऐड हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन रेगुलर बेसिस पे मिल रही है, हम आपको रेगुलर अपडेट कर रहे हैं कि भाई इतने तारीख से इतने तारीख तक इग्नू ने अगेन अपनी डेट एक्सटेंड कर दी है। अब वो क्यों कर दी है, अगर हम वापसी अपनी इस न्यूज़ पर जाएं तो डीयू में यूजी पीजी दाखिले में देरी से प्राइवेट संस्थानों का रुख कर रहे हैं छात्र, और उसमें प्राइवेट संस्थान बहती गंगा में अगर हाथ नहीं धोएंगे तो कौन धोएगा। तो इग्नू जो है अपनी डेट एक्सटेंड कर रहा है। इग्नू से सभी कोर्सेज होते हैं, कितने साल के हैं, क्या फ़ीस है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को उन वीडियोस में बता रखी हैं, वो आप एक बार देख लेना अगर आपको इग्नू से करना है तो। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा कि मैम हम क्या करें, अब जैसे डी यू और जामिया दोनों का ही टाइम निकल गया है। तो देखो, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इग्नू से कर लो, ईयर वेस्ट मत करो। अदरवाइज़ कोई डिप्लोमा कर लो तब भी ईयर वेस्ट मत करो, मैं तो यही बोलूँगी। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपको जहाँ से जो चीज़ बेटर लगती है आप वो करिए। ठीक है स्टूडेंट, सो इग्नू की जो इन्फॉर्मेशंस हैं, इग्नू के एडमिशन के बाद हमारी टीम ने ये डिसाइड करा है कि अकॉर्डिंग टू योर कोर्सेज एंड सब्जेक्ट्स हम स्टडी बेस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे मैं बता दूँ कि इग्नू की इन्फॉर्मेशंस हम आपको रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी वगैरह वगैरह, क्योंकि बच्चे जो हैं ऑफिस नहीं जा पाते हैं, उनका ऑफिस आईटीओ पर है और उसको ढूंढने में थोड़ा टाइम लग जाता है इसलिए। तो ये थी मेन तीन यूनिवर्सिटीज़ जिसकी मैं बात करना चाहती थी आप लोगों से, क्योंकि एक एक बच्चे को सब कुछ डिस्क्राइब करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। सो आप लोगों को अगर इस चीज़ में भी अभी कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, फॉर्म में या फिर किसी भी चीज़ में, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बेझिझक होकर कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम पे आप मुझसे पूछो। अदरवाइज़ बात आती है रिज़ल्ट की, तो देखो जितना ज़्यादा जल्दी हो सकता है उतना ही ज़्यादा अप्रॉक्स एंड ऑफ दिस मंथ बोला गया है। अदरवाइज़ अगर एंड ऑफ दिस मंथ नहीं हुआ तो सेप्टेम्बर के फर्स्ट वीक में तो कंपल्सरी आ ही जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा और ज़्यादा टाइम नहीं लग सकता है कहीं और एडमिशन के लिए। ठीक है स्टूडेंट, सो आप लोगों को इग्नू, जामिया, डीयू या फिर किसी और चीज़ में कोई चीज़ आपको पूछनी है,
टीचिंग लाइन में पूछनी है, लॉ लाइन में पूछनी है, या फिर और भी तरीके की चीज़ें हैं बहुत सारी बीएड का है, तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ लीजिए। और आप लोग प्लीज़ मुझसे रिज़ल्ट के लिए अगेन एंड अगेन रिपीट मत करो कि मैम रिज़ल्ट कब आएगा। इस वीडियो को देखो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सिबलिंग्स के साथ शेयर करो, ताकि बच्चे पर्सनल मैसेजेस ना करें, थोड़े कम करें। ठीक है, जब एक चीज़ आपको ऑलरेडी बता दी गई है तो क्या फ़ायदा टीचर को भी परेशान करो, अपना भी टाइम वेस्ट करो, है ना। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।